Hotstar.com, विश्वास वही रफ्तार नई। 23 अप्रैल को जनपद बस्ती के रुदौली तहसील से अपहरण अखंड कसौदन को UPSTF और पुलिस ने मिलकर सकुशल बरामद कर लिया है। दो सगे भाइयों ने व्यापारी के बेटे को 23 अप्रैल को बस्ती से अपहरण किया था और गोरखपुर के सहजनवा में रखे हुए थे। शक के आधार पर अपहरणकर्ताओं का पुलिस ने पीछा किया और उसमें कामयाबी मिली। आज अखंड कसौधन सकुशल बरामद हो गया है और अपने परिवार के पास पहुंच गया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा है कि बदमाशों ने अपना लोन अदा करने के लिए फिरौती से अखंड कसौधन का अपहरण किया था, लेकिन उससे पहले फिरौती मांगे और फिरौती उसको मिले उससे पहले ही STF और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। 23 अप्रैल को जनपद बस्ती के थाना रुदौली से हुए अखंड कसौधन के अपहरण कांड का सफल खुलासा जनपद बस्ती की पुलिस ने STF की टीम के साथ में मिलकर के 30 अप्रैल के तड़के भोर में किया और अपहृत को सकुशल बरामद कर लिया है। इस संबंध में जो हमारी वीडियो सर्वेलांस की टीमें लगी थी, उन्होंने अपहर्ताओं का हुलिया देख लिया था और जो वीडियो के माध्यम से जानकारी हो गई थी, और ये जानकारी थी कि अपहर्ताओं के पास में हरे रंग की HF डीलक्स बाइक है। इसी में HF डीलक्स बाइक के संबंध में हमारी टीमें कई जगह पर सर्च कर रही थी। थाने के पास में हमारी एक टीम SI जनार्दन प्रसाद, हेड कांस्टेबल महेंद्र यादव, नंद किशोर विश्वकर्मा और चंद्रकेश प्रजापति के नेतृत्व में लगी हुई थी। तो 29-30 की रात्रि में ये अपहर्ता उसी HF डीलक्स बाइक के बैठ करके थाने के पास से निकल रहे थे, तभी इनका ध्यान उस पर गया तो उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया तो वो भागने लगे। चूँकि वीडियो सर्वेलांस के माध्यम से उनकी मोटा मोटा हुलिया हम लोग के पास था, इस आधार पर उनको घेर कर पकड़ा गया और उनको थाने पर लाकर पूछताछ शुरू करी गई। पूछताछ में STF भी साथ में आ गई। पूछताछ में उन्होंने ये बातें बताई कि वो जो अपहृत है अखंड कसौधन, उसके पिता अशोक कुमार गुप्ता के बिजनेस में माल सप्लाई करते थे, वो पहले से उसको बच्चे को जानते थे, उनके ऊपर कुछ लोन था जिस कारण से उन्होंने बच्चे का अपहरण कर लिया और बच्चे को सहजनवा गोरखपुर में छुपा करके रखा था। उनकी सूचना के आधार पर जनपद बस्ती की पुलिस और STF की टीम जा करके सहजनवा गोरखपुर से उन्होंने अखंड कसौधन को सकुशल बरामद किया है और उसके परिवार को दे दिया गया है। पूरी घटना इस प्रकार है कि अखंड कसौधन के पिता अशोक कुमार गुप्ता को ये दोनों लड़के जो अभियुक्त सूरज सिंह एवं आदित्य सिंह, पुत्र कृपानंद सिंह, ये दोनों भाई हैं, ये कुछ माल सप्लाई किया करते थे, तभी से इस बच्चे को जानते थे। बच्चा इनसे भुला मिला था, चूँकि इनके ऊपर कर्ज हो रखा था तो इसलिए उन्होंने ये योजना, इस बच्चे को अपहरण करने की योजना 10 दिन पहले से बना रखी थी। 22 तारीख को भी उनके द्वारा ये प्रयास किया गया था, लेकिन 23 को वो अपहरण करने में सफल रहे। बच्चे को उन्होंने ये बहाना बताया कि उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और वो चल करके उसको बदलवा दे। उनके इसी बहाने पर बच्चा बाइक पर बैठ करके चला गया और बाद में उसका अपहरण कर लिया गया। चूँकि ये एक सनसनीखेज घटना है, इसलिए हम प्रयास करेंगे कि अभियुक्तों के खिलाफ हम NSA की कार्रवाई भी करें। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नई।